हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने डिज़ाइनिंग कर ली है फाउंडेशन की फॉर स्क्वायर पिलर एंड रेक्टेंगुलर पिलर। अब हम डिज़ाइन करेंगे फाउंडेशन फॉर ब्रिक मेसनरी वॉल। ठीक है, 90% डिज़ाइन तो सेम, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ दो चेंजेस होते हैं, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, पहले तो समझ लेते हैं क्या है। देखिए, ये कुछ इस तरीके से होता है आपका पिलर के लिए। ये जो पिलर है ये ऊपर तक जाएगा ऐसे, है ना, पिलर के लिए फाउंडेशन ये है। ठीक है, इसका एक साइड ये है लेंथ और दूसरा साइड ये है विड्थ। ठीक है, इस तरीके से फाउंडेशन मूव करता है। मतलब कि हमें यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है, इधर और इधर प्रोजेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम वॉल के लिए बनाएंगे तो कैसे बनेगा। देखो, अगर मैं ये सपोज वॉल है, ये जो स्ट्रिप है इसको वॉल मान लेता हूँ, इसके लिए फाउंडेशन बनाना है, तो इसके लिए फाउंडेशन बनाएंगे तो ये फाउंडेशन बिल्कुल इसी के साथ मूव करेगी और जहां तक वॉल होगी वहीं तक मूव करेगी, है ना, क्योंकि वॉल के आगे तो मूव नहीं करा सकते हो आप अपना स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो चीज है आपकी वो इसके साथ ही मूव करती जाएगी, जितनी इसकी लेंथ है उतने लेंथ में आपकी फाउंडेशन मूव करेगी, और दूसरे साइड मतलब कि जो दूसरा साइड है उसमें आपकी विड्थ मिल जाएगी, आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे बना के समझाता हूँ। मतलब कि अगर यही आपकी वॉल की फाउंडेशन होती तो क्या होता, वॉल की फाउंडेशन होती तो एक तरफ से, मतलब सपोज ये लेंथ है, इसमें बिल्कुल लेंथ इसी लेंथ में आपका मूव होता चला जाता और दूसरी तरफ से आपके स्टेप्स दिखते हैं आपको। समझ में आ रहा है क्लियरली। अब पूरी लेंथ है ना, तो लेंथ कितनी होगी, जब भी कभी लेंथ आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ 1 मीटर से ज्यादा होती है किसी भी मेंबर की, कौन कौन से मेंबर्स में आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ 1 मीटर से ज्यादा होगी, वॉल में होगी, बीम में होगी, है ना, या फिर स्लैब में होगी। हॉरिजॉन्टल लेंथ जब भी 1 मीटर से ज्यादा होती है तो उसको हम डिजाइन करते हैं 1 मीटर के लिए। किसके लिए डिजाइन करते हैं, सो पहला रूल ये हो गया कि जो आपकी वॉल की फाउंडेशन है वो कितने मीटर के लिए डिजाइन होगी, 1 मीटर की, और वो लेंथ हमेशा कितनी होगी, 1 मीटर, है ना। मतलब आप जब पिलर के लिए फाउंडेशन डिजाइन कर रहे थे तो आपने लेंथ और विड्थ दोनों कैलकुलेट की थी, इसमें लेंथ हमेशा ही 1 मीटर होगी क्योंकि लेंथ वही होगी जितनी आपकी वॉल होगी और वॉल आप 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो ये भी कितनी होगी लेंथ इसकी फाउंडेशन 1 मीटर। मतलब आपको सिर्फ निकालना क्या होगा, विड्थ निकालना होगा। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड से आपकी जो लेंथ है, लेंथ l इज इक्वल टू 1 मीटर की मूव करती हुई जाएगी। ये मैंने बनाया है विड्थ साइड से, ये है विड्थ ऑफ द फुट, है ना, इसके पीछे जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1 मीटर। क्लियर है। अब देखो, जब हम पिलर के लिए डिजाइन कर रहे थे तो अगर आप इस पे सॉइल का वेट देखो फाउंडेशन पे तो कितना आएगा, जैसे ही आप सॉइल फिल करोगे तो इतने पूरे पोर्शन में और इतने पूरे पोर्शन में आपकी सॉइल फिल होगी, है ना। लेकिन अगर ये पूरा आपका फिल हो गया, ये सारा 1 मीटर हो गया, है ना, मतलब या फिर जितनी ये लेंथ है उतना हो गया, तो यहाँ पर तो सॉइल आ नहीं पाएगी, फिर सिर्फ इस पोर्शन में जहां पर ये स्टेप्स हैं वहीं पर सॉइल आएगी। वॉल की फाउंडेशन में सिर्फ एक तरफ स्टेप्स आते हैं, दूसरी तरफ आपका पूरा जो भी लेंथ होती है उसमें मूव करता है। क्लियर है। सो सिर्फ एक तरफ अगर सॉइल आएगी तो हमने अगर पहले सॉइल का वेट यानी W3 जो मानते थे वो अगर हमने पहले 20% माना था तो अभी तो आधा हो गया, क्योंकि एक तरफ तो आपका पूरा फाउंडेशन है ना। तो जो सेकंड चेंज होता है वो ये होता है कि W3 जो होता है वो 10% ऑफ W1 + W2 हो जाता है, 10% ऑफ W1 + W2 हो जाता है। पहला चेंज क्या है, पहला चेंज होता है कि जो लेंथ होती है वो हमेशा 1 मीटर होती है। अच्छा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए क्यों करते हैं हम कि 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, इसका रीजन ये होता है कि जो आपकी वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उनकी स्पैन चेंज नहीं होती है, है ना, मतलब जो आपकी हाइट है बिल्डिंग की वो तो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो एक रूम हो सकता है 4 मीटर का हो, लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा रूम हो सकता है 5 मीटर का हो, रूम के साइजेस चेंज होते हैं, है ना, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी हाइट है वो तो सेम होगी। आप एक रूम में जाओगे तब भी आपकी जो हाइट है अगर 3.3 मीटर है तो अगले रूम में भी 3.5 मीटर होगी, है ना। तो जो चीज सेम है तो उसको तो हम एक बार एक डायमेंशन लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो चेंज हो रही है तो
तो अगर आप एक एक रूम के लिए करोगे तो आपको लगातार करना पड़ेगा, इस रूम के लिए करो, फिर अगले रूम के लिए अलग से करो, उसके अगले रूम के लिए अलग से करो। लेकिन अगर आप 1 मीटर के लिए मान लेते हैं तो वही 1 मीटर में आपकी जो भी डेप्थ आ रही है ना, जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं वही कंटिन्यू पर मीटर करते जाएंगे, तो आपकी जितनी भी जो भी लेंथ है, सपोज 4 मीटर की है तो 4 बार कंटिन्यू हो जाएगा, 3.5 मीटर की है या 7 मीटर की या 8 मीटर की, कितनी भी है आपका रूम का साइज जो भी है उतने टाइम्स वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसीलिए हॉरिजॉन्टल मेंबर जो भी हम डिजाइन करते हैं वो हम पर मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, है ना। तो लेंथ यहाँ पर 1 मीटर हो जाती है और जो W3 है वो चेंज होकर हो जाता है 10% ऑफ W1 + W2, बस यही दोनों चेंज है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। डिजाइन एंड स्केच द फुटिंग फॉर 1 brick थिक वॉल, जो थिकनेस ऑफ वॉल भी है लिखा है, थिकनेस ऑफ वॉल इज 1 brick, देन कैरिंग अ यूडीएल ऑफ 20 kN/m, जो सुपर इंपोज लोड है यानी W1 सुपर इंपोज लोड, W1 इज 20 kN/m। देखो 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं इसलिए लोड भी यहाँ पर मीटर में गिवन है, हम 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं इसीलिए लोड यहाँ पर मीटर में गिवन है 20 kN/m, और जब भी पर मीटर में होता है वो होता है आपका UDL, ओके। देन नेक्स्ट इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 100 kN/m², सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज 100 kN/m², ओके 100 kN/m². देन डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 17 kN/m³, अगर ये गिवन नहीं होता है तो हम मानते हैं 18 kN/m³, लेकिन अगर गिवन है तो फिर जो वैल्यू गिवन है वही यूज करनी है आपको 19 kN/m³। द एंगल ऑफ रिपोज इज गिवन 30 degree यानी थीटा इज गिवन 30 degree एंड PCC is 1:4:8। देखो बहुत सिंपल है, जो स्टेप्स हमने फिगर के लिए फाउंडेशन बनाने में यूज किए थे वही स्टेप्स यूज करने, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर्मूला क्या है, एल नॉट अपॉन गामा इंटू 1 - sin φ अपॉन 1 + sin φ3/2 तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है 0.65 meter, है ना, सो दैट बिकम 650 mm। ये कौन सी डेप्थ है आपकी, ये मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है जो नीडेड, चेक क्या होता है इसका कि 500 mm से ज्यादा होनी चाहिए, ये 500 mm से ज्यादा है मतलब ठीक है सेफ है, ऑलराइट। So, सबसे पहले स्टेप डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर्मूला इज एल नॉट अपॉन गामा 1 - sin φ / 1 + sin φ² फाइ इज एंगल ऑफ रिपोज, एल नॉट इज सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ साइल एंड गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द साइल, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करिए सॉल्व करिए वैल्यू आती है 650 mm। चेक कैसे करते हो, 500 mm से ज्यादा होनी चाहिए, अगर 500 mm से कम है तो आप क्या करोगे, इसको 500 mm एज्यूम करोगे, ओके। देन स्टेप नंबर 2, टोटल लोड ऑन फुटिंग, टोटल लोड ऑन फुटिंग, ओके। सबसे पहले W1 क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 20 kN/m, देन W2
सेल्फ वेट ऑफ द पिलर, सेल्फ वेट ऑफ द पिलर होता था, लेकिन आप पिलर के लिए तो डिजाइन नहीं कर रहे हो, तो क्या हुआ? सेल्फ वेट ऑफ द वॉल, सेल्फ वेट ऑफ द वॉल, ठीक है। इसमें वॉल की हाइट फिर से हाइट ऑफ द वॉल इज 3 मीटर, हाइट ऑफ द वॉल इज 3 मीटर। क्या होता था फॉर्मूला? यूनिट वेट किससे बनाया? ब्रिक से, है ना। तो ब्रिक का यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो ब्रिक का यूनिट वेट कितना है? 19 क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन नहीं होता है तो आपको कितना यूज करना है? 18 किलोन्यूटन पर मीटर। 19 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ या थिकनेस इंटू हाइट। लेंथ कितनी लेनी है? 1 मीटर। थिकनेस कितनी है? 1 ब्रिक, ठीक है। और ट्रेडिशनल या मॉड्यूलर क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो आपकी मर्जी है, आप जो भी मान लो। मैं ट्रेडिशनल मान लेता हूँ इसे, तो थिकनेस 1 ब्रिक कितना होता है? 0.23, तो 0.230 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज 3। ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, तो सारी वैल्यूज आपको मीटर में पुट करनी है, ठीक है। ये आता है 13.11 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि 1 मीटर के लिए डिजाइन किया है, इसके पर मीटर में आएगा। ठीक है, देन W3 क्या हो जाएगा? W3 हो जाएगा 10% ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। W1 कितना है? 20, W2 कितना है? 13.11, कितना हुआ? 33.11, तो 10 अपॉन 100 ऑफ 33.11, ठीक है। तो W3 कितना आ जाएगा? W3 आ जाएगा 3.31, 3.31, W3 इज आई होप कि यहाँ पर दिख रहा है, इस 3.31 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हम यहाँ पर 10% क्यों लेते हैं और पिलर में 20% क्यों लेते हैं, क्योंकि पिलर में हमारे दोनों साइड में स्कोप होता है कि सॉइल वहाँ पर आ सके, और ये सॉइल का वेट होता है, सॉइल फॉर सेल्फ वेट। तो अगर वॉल में हमारे पास सिर्फ 2 साइड होता है, पिलर में 4 साइड होता है, ठीक है। तो अगर 2 साइड हमारी क्लोज हो गई है, आधा हो गया है, तो ये वेट भी आधा हो जाएगा सॉइल का, तो दैट इज ओनली 10% और पिलर में होता है 20%, ठीक है। तो टोटल डिजाइन लोन तीनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 13.11 प्लस 3.31 सॉल्व करिए, दैट इज 36.42 किलो न्यूटन पर मीटर, 36.42 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको किलो न्यूटन में जान सकते हैं, क्योंकि हमने 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 36.4 किलोमीटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं रख कर रहा हूँ, तो अगर किसी को कुछ देखना है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिएगा एंड फिर देख लीजिए। चलो, स्टेप नंबर 3, विड्थ ऑफ द फुटिंग। स्टेप नंबर 3, विड्थ ऑफ द फुटिंग। यहां पर विड्थ क्यों लिया है, साइज क्यों नहीं लिया, जबकि पिलर में साइज लेते थे, साइज ऑफ द फुटिंग, क्योंकि भैया यहां पर लेंथ तो पहले से पता है ना हमें, है ना। अगर लेंथ हमें पहले से पता है तो हमें सिर्फ विड्थ ही निकालनी है। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। हमें सिर्फ क्या चाहिए? विड्थ चाहिए। ओके, सो कैसे करेंगे? 2 तरीके होते थे, पहला साइज बाई कैलकुलेशन, साइज बाय कैलकुलेशन। ओके, चलो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू टोटल लोड अपॉन सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है ना। टोटल लोड कितना था हमारे पास? 36.42
6.42. सीबीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 100 गिवन है, कितना 3.642 मीटर स्क्वायर, 3.642 मीटर स्क्वायर है ना। अब एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, दिस इज इक्वल टू 3.642 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, 1 रख दो, बी इज इक्वल टू 3.642, तो यहां से बी कितना आ गया 3.642।0.36 मीटर। ओके, तो स्टेबिलिटी से सॉरी कैलकुलेशन से हमारा साइज क्या हो गया 1 मीटर बाय 0.36 मीटर। ओके, अब क्या है इसको देखो, हाफ ब्रिक के मल्टीपल में चेंज करना पड़ेगा है ना, ये कितना है 364.2 mm। ठीक है, हाफ ब्रिक के मल्टीपल में चेंज करिए, अब ट्रेडिशनल हाफ ब्रिक कितना होता है 115, अब 115 से इसे डिवाइड करो, ठीक है 230, 345, थ्री टाइम समथिंग जाएगा, थ्री टाइम समथिंग जाएगा मतलब एग्जैक्ट इंटीजर चाहिए आपको, तो नेक्स्ट इंटीजर ले लो, नेक्स्ट इंटीजर होगा 4, तो साइज क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 460, सो b इज इक्वल टू 460 mm। ठीक है, इसको 115 से डिवाइड करोगे, 115 से डिवाइड करने पे 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू जाएगी, मतलब परफेक्ट इंटीजर नहीं है, मतलब हाफ ब्रिक का मल्टीपल नहीं है। हाफ ब्रिक का मल्टीपल करने के लिए हमें नेक्स्ट इंटीजर देखना पड़ेगा, नेक्स्ट इंटीजर इज 4, सो 115 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 460 mm, तो साइज आ गया 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 460 mm या 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.46 मीटर। अब साइज स्टेबिलिटी से, साइज बाय स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से वही है, लेंथ तो अपनी 1 मीटर ही है ना, विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ब्रिक प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोजेक्शन है ना, ट्वाइस ऑफ ब्रिक, यहां पर कौन सा आएगा थिकनेस, थिकनेस कितनी है 1 ब्रिक की, अगर थिकनेस 2 ब्रिक की होती तो ट्वाइस ऑफ 2 ब्रिक हो जाता, थिकनेस 1.5 ब्रिक की होती तो ट्वाइस ऑफ 1.5 ब्रिक हो जाता, तो ट्वाइस ऑफ 230 एंड प्लस 2 into 150। ठीक है, तो दैट वुड बी कितना हो जाएगा 460 प्लस 230 दैट इज 690 ठीक है 690 mm। अब यहां से साइज क्या आ गया 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.69 और यहां से साइज क्या आया है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.46। अब आप लोग बहुत समझदार हो, आपको देखने से पता चल रहा है कि किसमें हमें बिगर साइज मिल रहा है, हमें बिगर साइज मिल रहा है साइज स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी में बिगर साइज मिल रहा है तो कौन सा कंसीडर करेंगे, साइज बाय स्टेबिलिटी, तो साइज क्या हो गया 1 मीटर बाय 0.69 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नहीं जिसको अगर देखना हो प्लीज वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। नेट अपवर्ड प्रेशर, नेक्स्ट इज नेट नेट अपवर्ड प्रेशर स्टेप नंबर 4, नेट अपवर्ड प्रेशर, ठीक है नेट अपवर्ड प्रेशर फॉर्मूला क्या होता था, W1 प्लस W2 अपॉन एरिया, तो P इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अपॉन एरिया, W1 20
प्लस डब्ल्यू टू कितना था 13.11 डिवाइडेड बाई 1 into 0.69 है ना, वैल्यू मीटर में पुट करनी होती है, दैट इज 33.11 डिवाइडेड बाई 0.69 ठीक है, इसको आप प्लीज सॉल्व कर लो, दैट इज 0.7 ये आपका सब 49.48 समथिंग आएगा, 49.12 ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, प्लीज आप सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास कैलसी नहीं है समय, तो 49.12 में मान लेता हूँ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 49.12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ओके, देन लास्ट स्टेप थिकनेस ऑफ फाउंडेशन पीसीसी, थिकनेस ऑफ फाउंडेशन पीसीसी फॉर्मूला क्या होता था, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 PX² इंटू 10^3 ऑन ठीक है, P is 49.12, so that is root 6 into 49.12 into x 0.15 to the whole square, ध्यान रखिएगा मीटर में पुट करते हैं, सॉरी 0.115 0.115 to the whole square into 10^3 divided by 2 into 0.246 148 के लिए वैल्यू, सॉरी यस 0.246 ठीक है, अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, डोंट नो इसकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेट किया है, आप एग्जैक्टली कैलसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 90 mm, बस यही सारे स्टेप्स थे हमारे पास, सारी वैल्यूज पता चल गई, लेंथ हमारी 1 मीटर है, जो विड्थ है वो हमने निकाल लिया, दैट इज 0.69 मीटर, और जो थिकनेस है दैट इज 90 mm, फाउंडेशन हमारा डिजाइन हो गया है ना, स्केच कर लेते हैं, एक ही साइड स्केच होना है, दूसरे साइड तो लेंथ में सेम रहेगा, है ना, सो दैट इज ये वाली वैल्यू कितनी होगी 0.69 मीटर ठीक है, ये 115 mm 0.115 मीटर दैट इज अगेन 115 मीटर, ये कितना बचेगा 0.46 मीटर या 460 mm, और 0.46 मतलब कितना हो गया है 2 ब्रिक के बाद ये 1.5 ब्रिक, 0.5 ब्रिक के बाद दिस इज 1 ब्रिक ठीक है,
अब वन ब्रिज की इतनी तो थिकनेस ही थी, तो इससे ऊपर तो बनना नहीं आपका, यहीं से बॉल मूव करेगी। अब ये कितना है 90, है ना, ये कितना है 75, ये कितना है 75, ये कितना है 75, ठीक है। टोटल मिला के कितना हो गया 150, 90, 240, 240 एंड 70, 350। और हमारे पास कितनी थी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन टोटल, दैट वाज 650। डबल कर दो 150, 150, 150, 450 एंड 90, 540, है ना। इसको थ्री टाइम्स कर दो, फिर से नीचे से एक एक बढ़ाना शुरू कर दो। सो 450 एंड 550, 650, एक और बढ़ेगा तो भी बढ़ा दो, बस अब हो जाएगा आपका। बैग आ जाएगा आपका 150 mm, ये आएगा 225 mm, ये आएगा 225 mm, ये आएगा 90 mm, जो टोटल है वो डेप्थ ऑफ दी फाउंडेशन हो जाएगी। ओके, सो आई गेस ये लेक्चर भी आपको समझ में आया है ठीक से, है ना। बिल्कुल सिंपल था, जैसे हमने लास्ट में पिलर्स डिजाइन किए थे, पिलर्स के फाउंडेशन डिजाइन किए थे, बिल्कुल सेम था। बस दो चेंजेस हैं कि जो आपका W3 है वो 10% ऑफ W1 + W2 हो जाता है, एंड जो आपकी लेंथ है वो 1 मीटर हो जाती है। और ये बात जो 1 मीटर वाली बात है आपकी, कि हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, ये सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं है, फॉर एवरी मेंबर्स। आप अभी वॉल डिजाइन करोगे आगे, वो भी हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करेंगे। जब आप बीम्स डिजाइन करेंगे वो भी हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करेंगे। जो आप स्लैब्स डिजाइन करेंगे, एनी हॉरिजॉन्टल मेंबर, कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसका स्पैन 1 मीटर से ज्यादा मूव हो रहा है, आगे जा रहा है, वो हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, और कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू ऑल फॉर स्टडी, विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर।